It's time now for the most precious moment for us all this evening. GEMA 2010 for the Lifetime Achievement Honor. The world recognizes her as the Nightingale of India. Is awaaz se meelon ki doori munasib hai. Dilon ki nahi, kyunki ye seedhe dil se nikalti hai aur duniya ke dilon mein jaakar lagti hai. Ye wo pure aur divine awaaz hai jo waqt ke har mod pe wahi respect, wahi awe command karegi jo aaj kar rahi hai. Ladies and gentlemen, hum sab khushnaseeb hain ki hum us yug ke vaasi hain jis yug mein Lata ji rehti hain. और आज उन्हें एक हार्टफेल्ट ट्रिब्यूट देने के लिए हिंदी फिल्म म्यूजिक के बड़े बड़े कंपोजर्स इस स्टेज पर एक साथ होंगे. लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट द मैजिक अनफोल्ड. सदियों बाद जन्म लेती है एक ऐसी आवाज जो देश, धर्म और समय की सरहदें पार कर मन की गहराइयों में उतरती है, दिलों को रोशन करती है. धीरे धीरे मचल एक आवाज जो गूंजती है तो लगता है यही है आवाज मासूमियत की, मोहब्बत की, इबादत की. कभी ये प्यार का विश्वास, जब प्यार किया तो कभी शरारत की मिठास. दिल धड़क धड़क के दे रहा है शहीदों और शहादतों की आवाज. हे मेरे वतन के लोग, जरा आँख में भर लो पानी. एहसासों में घुली हर जज्बे, हर जेनरेशन, हर नस्ल को जुबां देती है. ये है आवाज की हर अदा. कभी कभी मेरे दिल में ख्याल युगों की सदा. दिया जले जा जले, नैनो जले, धुआं चले धुआं चले. सबका गौरव, देश की लता, लता मंगेशकर, उन्हें हमारा शत शत प्रणाम. रवानी है
पानी है जिंदगी रह जाती निशानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है तेरी मेरी कहानी है Wasn't it? Kankar, I'd request you to please speak a few words. First of all, this is a small piece our offering to you, our dear Ma Saraswati who is sitting over here. Let's have a loud round of applause. This is a humble offering to you, Didi, and we'd like to request you on behalf of our whole fraternity ki aap is award function ko हम लोग सब को हमारे सब म्यूजिशियंस भाई लोग सब लोग यहाँ जो बैठे हैं सबको प्लीज आशीर्वाद दीजिए सो दैट दिस जीमा अवार्ड बिकम्स मोर एंड मोर सुरेला फॉर द इयर्स टू कम प्लीज वेलकम ऑन स्टेज आशा भोसले जी एंड एआर रहमान टू ऑनर लता जी मौजों की रवानी है एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी कहानी है एक प्यार का नगमा है मैं भारत रत्न के लिए क्या बोल सकती हूँ वो भारत रत्न है वो इस दुनिया का रत्न है वो इतने बड़ी हैं कि उसके सामने कुछ कह नहीं सकते वैसे मैं गाना गा रही थी लेकिन दीदी आई नहीं थी वो हमेशा मेरा गाना नहीं सुनती है इससे मेरा बड़ा दुख है हमेशा लेट आती है जन्म पहले लिया था लेकिन गाना सुनने में लेट करती है लेकिन मैं उसको सुना के रहूँगी हमेशा दीदी आशीर्वाद My father was
would have been alive, I think this would have been his day. Because I heard from my mother that my father had a picture of Lataji with a white sari. And whenever he used to get up in the morning, he used to look at the picture and compose songs. So it's a full circle of life coming back, and wherever he is, God bless him, and I can't say much more. And one more thing, I think she was gracious enough to give a video recording of her singing Lukka Chupi for my Jai Ho tour, and because of that, my tour has got so much of respect. Thank you, Chiyaki. मैं अब क्या बोलूं? मेरे पास शब्द नहीं है. एक तो मैं जिन्हें बहुत पसंद करती हूं, वो रहमान साहब. उनके हाथ से मुझे ये अवार्ड मिला है. और आशा, आशा मेरी बहन है, मुझसे 4 साल छोटी है और हमेशा मुझे तंग किया है, पर मैं हमेशा माफ करती हूँ इसको. करना ही पड़ेगा माफ. नहीं, माफ तो करना ही पड़ता है. माँ माफ करती है और कौन करता है. मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है. मुझे, मैं थैंक्स कहती हूँ उनको. पर एक बात मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कलाकार के लिए, कि हर कलाकार जो होता है उसको लाइफ टाइम अचीवमेंट पे फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहिए. उसको अचीवमेंट अपनी चलनी चाहिए, यही उसको करना चाहिए. उसको हार नहीं माननी चाहिए, या आप ख़त्म हुआ ऐसा नहीं कहना चाहिए. इतनी ही मेरी रिक्वेस्ट है आपको. नमस्कार.